हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू डिब्बा ब्लॉग एंड फूड। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ लेफ्ट ओवर रोटी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और सा नाश्ता। तो इसके लिए मेरे पास दो लेफ्ट ओवर रोटी है, मैं इसको दो लेफ्ट ओवर रोटी से ही बनाऊँगी। तो इसे हम सबसे पहले तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। मैं इसको तोड़ लूँगी, देख सकते हैं इस छोटे छोटे पीसेज में हमें इसे कट कर लेना है। और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, सूखा ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। मैं इसको मिक्सी जार में ले लूँगी और इसे हमें रफली ग्राइंड कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद जब ये रफली ग्राइंड हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे छाछ। आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा खट्टी दही या छाछ नहीं होना चाहिए। और इसका हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लिए हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कटोरी सूजी, और इसमें मैं कुछ सब्जियाँ डाल रही हूँ कद्दूकस करके मैंने यहाँ पे, लौकी, हरी धनिया, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके डाल लिए हैं। ऐड कर लेंगे सॉल्ट, हल्दी पाउडर, और इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें छाछ ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। और इसे हम रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। इस तरह से मिक्स करके इसको ढककर छोड़ देंगे ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो गए थे, उसके बाद ये सेट हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें आप ऐड कर सकते हैं इनो। आप चाहें तो यहाँ पे मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे गुजरात का बहुत ही फेमस हांडवो। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लिए हैं, हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब हमें तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें मैं ऐड कर ली हूँ राई, ज़ीरा, और यहाँ पे मैं वाइट वाले तिल यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा हमें इसमें काला नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें मैं 3 से 4 कड़ी पत्ता डाल लूँगी और ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैं ऐड कर लूँगी जो हमारा बैटर हमने तैयार किया था। इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। अगर आपके पास ऐसा पैन नहीं है तो आप अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आएगा। अब हम इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो हांडवो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट की मदद से पलट लेंगे, नहीं तो हमारा जो हांडवो है वो बहुत ही सॉफ्ट हुआ था फ्रेंड्स, ये टूट सकता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार और क्रिस्पी बना है, अंदर से उतना ही जूसी और फ्लफी बना था। तो हमारा जो दूसरी साइड से भी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल क्रिस कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल दे देंगे ताकि हमारा हांडवा अच्छे से पक जाए। और ये बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देख सकते हैं आप, मैं इसको कट करके भी दिखाऊंगी। अभी बहुत गर्म था तो आपको दिखाना था इसलिए मैं इसको कट कर रही थी, बहुत ही गर्म था ये, देख सकते हैं हाथ में पकड़ में नहीं आ रहा था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।